हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। जनरल स्टडीज मेंस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है इसरो ने, एंड इसरो के जो चीफ हैं के सिवन ने ये अनाउंसमेंट किया है। क्या अनाउंसमेंट है ये? के सिवन ने ये कहा कि हम चंद्रयान 3 लॉन्च करेंगे, और ये लॉन्च कब होगा? ये लॉन्च होगा 2023 या 24 में, एंड पूरा मिशन जो है 2020 नवंबर तक पूरा फाइनलाइज हो जाएगा ये वाला मिशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है ये। तो इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज हम चंद्रयान 1, 2 एंड 3 का बेसिकली कंपैरिजन करने वाले हैं, क्या क्या इनमें डिफरेंसेस रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो समझना बहुत जरूरी है कि हम इतना ज्यादा चांद को क्यों समझना चाहते हैं, क्यों सारे देश इतने सारे मिशंस चांद के ऊपर भेजते रहते हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि आज तक हमें ये अंडरस्टैंड नहीं हो पाया कि सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है। हमारा पूरा सोलर सिस्टम, हमारी धरती, हमारा सूरज और ये सारे प्लैनेट्स के बनने के पीछे एग्जैक्ट क्या कारण है, किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये सारे प्लैनेट्स और ये सन का जन्म हुआ है। तो इसीलिए हम मिशंस को भेजते रहते हैं दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर एंड मून के ऊपर, ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है। प्लस हम चांद को और भी समझना चाहते हैं, हम ये समझना चाहते हैं कि चांद के ऊपर पानी कितना है और चांद के ऊपर मिनरल्स कैसे कैसे हैं। तो आज से तकरीबन 10 साल पहले हमने मिशन लॉन्च किया, 2008 में, 12 साल पहले, चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 क्या था? देखिए, अगर ये मून है तो मून के आसपास हमने जो मिशन लॉन्च किया, जो मून के ऊपर घूमता रहे, दैट वाज द ऑर्बिटर। क्योंकि हम चांद को दूर से देखने की कैपेसिटी को पहले हमने डेवलप कर लिया था, हमने उस ऑर्बिटर के ऊपर कैमरा लगा दिए थे, उस ऑर्बिटर के ऊपर हमने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगा दिए थे ताकि हम चांद पे क्या क्या मिनरल्स हैं उनको समझ पाए। तो 5 साइंटिफिक पेलोड थे पहले चंद्रयान 1 में। तो पहले चंद्रयान 1 का मिशन यही था कि हम चांद को समझ पाए, उसकी सॉयल किस तरह की है, किस तरह के मिनरल्स हैं, किस तरह की टोपोग्राफी है चांद की, तो ये जानना चाहते थे। तो चंद्रयान 1 वॉज द ऑर्बिटर मिशन। तो ऊपर ऊपर से मिशन मूव कर रहा था हमारा चंद्रयान 1 में। उसके बाद में चंद्रयान 2 प्लान किया गया। चंद्रयान 2 एडवांस्ड मिशन था चांद को लेके। हम केवल ऑर्बिटर नहीं हमने उसमें बनाया, हमने उसमें लैंडर भी बनाया और उसमें हमने रोवर भी बनाया। तो 3 चीजें हो गई, ऑर्बिटर हो गया, लैंडर हो गया और रोवर हो गया। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? ऑर्बिटर तो मैंने बता दिया कि चांद के ऊपर गोल गोल चक्कर लगाएगा, एंड उसके ऊपर 5 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट थे जो उसका एनालिसिस कर पाते कि चांद की सतह किस तरह की है, चांद की टोपोग्राफी किस तरह की है। तो अभी जो रिसेंट मिशन हमने लॉन्च किया था चंद्रयान 2, ऑर्बिटर तो था ही उसमें, बट उसके अलावा लैंडर भी था एंड रोवर भी था। लैंडर का क्या काम था? तीनों को इकट्ठे भेजा गया। तीनों को लेके कौन गया? GSLV, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये इसरो ने इतने तगड़े व्हीकल्स बना लिए हैं आज की डेट में कि हम बहुत हैवी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं। एंड GSLV एक व्हीकल है, उसी को यूज करके हमने चांद के ऊपर ऑर्बिटर को भेजा, लैंडर को भेजा एंड रोवर को भेजा। ऑर्बिटर तो चांद के ऊपर गोल गोल घूम रहा है, आज भी घूम रहा है चंद्रयान 2 का, एंड बहुत अच्छा काम कर रहा है। एंड हमें वापस चांद की पिक्चर्स खींच खींच के वो भेज रहा है, जिससे हम एनालिसिस कर पा रहे हैं कि चांद के ऊपर क्या क्या चीजें हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस मिशन की थी, दैट वॉज लैंडर एंड रोवर। अभी लैंडर एंड रोवर का क्या काम था? लैंडर ने रोवर को वहां पे भेजना था चांद के ऊपर। रोवर का काम था वो चांद की सतह के ऊपर ट्रेवल करता रहता, ट्रेवल करते हुए उसमें पेलोड्स थे, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगाए गए थे
जो चांद की सतह को एनालिसिस करके धरती पर हमें कम्युनिकेट करते कि चांद की सतह पे क्या है। जो रोवर था, रोवर ने कम्युनिकेट करना था थ्रू ऑर्बिटर, ऑर्बिटर ने फिर आगे कम्युनिकेट करना था धरती के ऊपर इंडिया में। सो ये इस तरह से पूरा सिस्टम काम करना था। बट आज की डेट में हमें पता है कि जो चंद्रयान 2 है, चंद्रयान 2 का मिशन पार्शियली फेल हुआ है, कंप्लीटली फेल नहीं हुआ है, क्योंकि ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। जब हमने ऑर्बिटर चांद पे भेजा था तो हमने लगभग 1600 kg फ्यूल उसमें डाला था। हमें लगता था कि वो 1 साल वो फ्यूल पूरा चलेगा चांद के ऊपर और ऑर्बिटर 1 साल चक्कर काटता रहेगा। बट इसरो की ये कामयाबी है कि वो फ्यूल कम यूज हुआ है एंड अब वो फ्यूल जो ऑर्बिटर के ऊपर है वो 7 साल के लिए हम उसको यूज कर पाएंगे। जो लैंडर था और रोवर था वो अच्छी तरह से चांद की सतह के ऊपर लैंड नहीं कर पाया और 2 किलोमीटर लैंड करने से पहले हमारा उससे कॉन्टेक्ट, जो कॉन्टैक्ट था, वो बेसिकली लॉस्ट हो गया। इसरो ने बहुत ट्राई किया, ठीक है ना, कि उस विक्रम लैंडर के साथ एंड प्रज्ञान रोवर के साथ हम कॉन्टैक्ट बना सके, बट वो कॉन्टैक्ट हम नहीं बना पाए ना। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें हमने अंडरस्टैंड करनी है कि चंद्रयान 2 इतना स्पेशल क्यों था। देखिए, हम पहली बार ट्राई कर रहे थे, हिंदुस्तान पहली बार ट्राई कर रहा था कि वो अपने इस मिशन को चांद की सतह के ऊपर टिका दे, उतार दे, जिस तरह से फ्लाइट लैंड करती है उसको लैंड करा दे। इस लैंडिंग को कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। देखिए कारण क्या है, देखिए जो वहां का एटमोस्फेयर है मून का, दैट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अर्थ। तो जब भी ऑर्बिटर से डिटैच होके लैंडर एंड रोवर निकलते और चांद की सतह के तरफ जाते तो वो बहुत स्पीड से जाना था। उसको स्पीड कितनी थी, लगभग 200 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था। जब इतनी स्पीड से चीज ऊपर आ रही हो, फिर हमें उसको ब्रेक्स लगानी थी, ब्रेक्स लगा के सॉफ्टली हमें उसको लैंड कराना था, बट हम वो लैंड नहीं करा पाए बिकॉज दिस सिस्टम इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ टेक्निकलिटी। एंड जो लैंडर है उसकी जो टांगे थी वो हमें स्ट्रांग बनानी थी ताकि वो फ्रिक्शन ना हो जाए बहुत ज्यादा एंड वो इजीली लैंड कर पाए, बट हम ये पॉसिबली ये नहीं कर पाए। एंड आज की डेट में ये कहा जा रहा है कि जो लैंडर है उसका एंटीना जो था वो बेसिकली टेढ़ा हो गया एंड आज की डेट में वो ऑर्बिटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। एंड ऑर्बिटर लैंडर का जो सिग्नल है और रोवर का जो सिग्नल है वो धरती पे नहीं भेज पा रहा। देखिए, ये है हमारे पास लैंडर विक्रम एंड ये है हमारे पास रोवर, उसके इसी इस तरह के गोल गोल व्हील्स लगे थे जिन्होंने मूव करना था चांद के ऊपर। ये लैंडर है, ये लैंडर की लेग्स हैं। जो टोटल अभी दोनों का कंपैरिजन करेंगे हम, चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2 का, अगर चंद्रयान 1 देखें उसका कॉस्ट लगभग 380 करोड़ रुपए कॉस्ट था, चंद्रयान 2 का कॉस्ट लगभग 1000 करोड़ रुपए था। 365 दिन का ये मिशन था, 365 दिन ऑर्बिटर गोल गोल घूमता और रोवर से कम्युनिकेट करता और धरती पे सिग्नल्स भेज देता जो भी चीजें उसको पता चलती। तो ये तो डिफरेंस है बिटवीन चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2, ये मेन डिफरेंस है। पहले वाला सिर्फ ऑर्बिटर था, उसमें ऑर्बिटर लैंडर एंड रोवर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि चंद्रयान 2 को हमने कहां पे लैंड कराना था। हम चंद्रयान 2 को मून के साउथ पोल पे लैंड करा रहे थे। साउथ पोल पे क्यों लैंड करा रहे थे, क्योंकि साउथ पोल एक ऐसा रीजन है चांद का जो सूरज की किरणों से हमेशा दूर रहा है। तो इतने मिलियंस ऑफ इयर्स ये जो चांद की साइड है इसने कभी चांद सूरज की किरणों को नहीं देखा। तो इसी वजह से यहां पे जो भी चीजें अवेलेबल होती, जो भी मिट्टी अवेलेबल होती, उस मिट्टी में से हमें हाइड्रोजन मिलती, अमोनिया मिलता, मीथेन मिलती एंड इन चीजों का एनालिसिस करके हम ये बता पाते बेसिकली कि किस तरह से सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है। क्योंकि
क्योंकि जो कोल्ड ट्रैप्स हैं इस रीजन के, जहां पे कभी भी सूरज की किरणें नहीं पहुंची हैं, एंड बिलियंस ऑफ इयर्स हो गए हैं सूरज की किरणों को यहां पे पहुंचे, कभी पहुंची ही नहीं पाई हैं, तो हमें एक इस तरह का सरफेस मिलता जिसका एनालिसिस करके हम ये बता सकते थे बेसिकली कि किस तरह से सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है। तो साउथ पोल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज तक अगर हम चांद की बात करें, सिर्फ चार ही देश हैं जो चांद तक पहुंच पाए हैं, हिंदुस्तान है, चाइना है, रशिया है और अमेरिका है। तो चार देश हैं जिनके रोवर्स अभी तक टच कर पाए हैं। हिंदुस्तान ने टच कराने की कोशिश की बट हम उसको टच नहीं करा पाए। तो गोल क्या है चंद्रयान के मिशन का? मिशन का वही गोल है जो मैंने आपको पहले बताया है कि अंडरस्टैंड करना है, हमने टोपोग्राफी को अंडरस्टैंड करना है और उसके मिनरल्स को अंडरस्टैंड करना है। तो ये एक्चुअली आप कह सकते हैं बेटर वर्जन था चंद्रयान 1 का चंद्रयान 2, बट अनफॉर्चुनेटली ये अभी लॉस्ट हो चुका है। आधा मिशन कामयाब है, 50%, आधा नहीं हो पाया है। लास्ट के 15 मिनट लैंडिंग जो चंद्रयान 2 की हमने करवाई, ये बहुत क्रूशियल होती है। मैंने आपको बता दिया है कि 200 की स्पीड से, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको लैंड करना था, बट वो लैंड नहीं करा पाया। डिफिकल्टी क्या थी लैंडिंग में? दैट वाज ओनली स्पीड। तो हमारा मिशन बेसिकली फेल हो गया 2.1 किलोमीटर, मतलब चांद की सतह के ऊपर से हमारा कनेक्शन लॉस्ट हो गया। 2.2 किलोमीटर जब चांद की सतह से ऊपर था, हम विक्रम के कांटेक्ट में थे, हम प्रज्ञान के कांटेक्ट में थे, बट जैसे ही वो 2.1 किलोमीटर पे पहुंचा, स्पीड ज्यादा होने के कारण हमारा कांटेक्ट टूट गया, तो लैंडिंग प्रॉपर नहीं हो पाई। तो अगला जो मिशन है हमारा, वो लैंडिंग को लेके हमने उसको बेटर बेसिकली करना है। सो इस क्लास में बेसिकली अब मैं क्या बताना जा रहा हूं आपको, अभी इसरो ने कहा है कि वो लॉन्च करेंगे एक नया मिशन चंद्रयान 3। अभी चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रयान 2 से सस्ता होगा। कारण क्या है? देखिए, जो चंद्रयान 3 है उसमें हम अब ऑर्बिटर लॉन्च नहीं करेंगे, हम चंद्रयान 2 का ही ऑर्बिटर यूज करेंगे। चंद्रयान 3 में अभी हम जो चीज लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज ओनली द लैंडर एंड द रोवर। जो चांद की सतह पे हम लैंडर को लैंड कराएंगे, लैंडर से फिर रोवर निकलेगा जो चांद की सतह का एनालिसिस करेगा, उसके मिनरल्स का एनालिसिस करेगा, उसके रेगोलिथ का क्या मतलब है, सॉयल का एनालिसिस करेगा, उसका एनालिसिस करके धरती पे डाटा भेजेगा, एंड हमें उससे पता चलेगा कि चांद पे क्या चीजें हैं, क्या मिनरल्स हैं, कौन सा वहां पे मेटल्स हैं, एंड क्या वहां पे पानी है कि वहां पे पानी नहीं है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ऑर्बिटर चंद्रयान 2 का है उसने ऑलरेडी बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स खींचना शुरू कर दिया और धरती के साथ, इसरो के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है। सो दिस वॉज ऑल फॉर द क्लास। आपको इस क्लास में कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 84594, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पे आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, द नेम ऑफ द चैनल इज ब्रेनी IAS। आप चाहते हैं कि अगर मैं किसी भी टॉपिक के ऊपर क्लास बनाऊं जो आपको समझ नहीं आई है, तो फिर भी मेरे से इसी नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। व्हाट्सएप पे ये नंबर अवेलेबल है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा मैं कब वो क्लास बनाऊंगा। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस नाइस डे। एंड इस क्वेश्चन के ऊपर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कीजिए मैजिका के ऊपर।